देखिए हम आपको लेकर के आए हैं GLH पब्लिक स्कूल में, जहां तीज महोत्सव मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले वो तस्वीरें दिखाएं, होर्डिंग दिखाएं, और देखिए महिलाओं का किस तरीके का रंगारंग कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। ऐतिहासिक कार्यक्रम GLH स्कूल में हो रहा है, और आपको हम ये दिखा रहे हैं जो हमारी चुनी हुई यहाँ की पार्षद है वो यहाँ पर पहुंची है। चेयरपर्सन पूनम यादव यहाँ पर पहुंची है, और भी महिलाएं हैं। तो ये कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम पंडाल के दिखाएं, एक से एक यहाँ पर स्टाले लगी हैं और एक से एक यहाँ पर इवेंट यहाँ आयोजित किए गए हैं, वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं मन से ये रंगारंग कार्यक्रम, बकायदा इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है, और क्या पूरा आयोजन है वो हम जानते हैं इन्हीं की जुबानी। और साथ में जो हमारे साथ प्रिंसिपल है GLH पब्लिक स्कूल की, दीपिका जी, उनसे भी एक बार जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा आयोजन है क्या, क्यों इन्होंने तीज महोत्सव का आयोजन यहाँ स्कूल के प्रांगण में रखा है। मैम पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आपको बधाई, आपने GLH ज्वाइन किया है, क्या कहेंगे आज आपने ये पहला इवेंट आपने यहाँ रखा है? सर सबसे पहले तो मेरी तरफ से तीज महोत्सव की सबको बहुत बहुत बधाई। तीज एक ऐसा त्यौहार है जो कि आवाहन करता है सावन के महीने का, जो कि आवाहन करता है आने वाले त्यौहारों का। ये सबसे पहला त्यौहार है, इसके बाद त्यौहारों का शुरुआत हो जाती है, और किसी भी हिंदू संस्कृति में त्यौहारों की शुरुआत महिलाओं से, कन्याओं से मानी जाती है। तो हमारे दिमाग में एक महिला सशक्तिकरण को लेकर एक आइडिया आया, इसमें हमें हमारे मैनेजमेंट ने पूरा सपोर्ट किया, और जिससे कि हमने केवल और केवल महिलाओं सशक्त वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर और तीज को के साथ में ये प्रोग्राम और इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाओं का विकास हो, महिलाओं के आयोजन हो, इसको लेकर के यहाँ आयोजन किया गया है। चेयरपर्सन पूनम यादव भी यहाँ पर आई हुई है, तमाम हम आपको दिखा रहे हैं जो चुनी हुई पार्षद है उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया, और जो महिलाएं हैं शहर की गणमान्य उनको यहाँ पर भी बुलाया गया। अलग अलग समाज से, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाएं यहाँ पर आई है, क्योंकि तीज का पर्व है और महिलाओं का एक तीज का पर्व होता है, सावन में झूले डलते हैं। कहावत है आज का सिंधारा और कल की तीज, यानी कि सिंधारा आएगा तीज आएगी, और महिलाओं के ससुराल में जो लड़कियों की नई शादी होती है वहां बकायदा सिंधारा दिया जाता है, बागों में झूले डलते हैं और तमाम महिलाएं झूलती है। मैम ये बताइए इसके अलावा और क्या क्या इवेंट आपने यहाँ पर किए हैं महिलाओं के लिए? सर ये तो अभी इस सेशन का कोविड के बाद फर्स्ट इवेंट है, जो बड़ा इवेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्विंग्स का प्रोग्राम किया गया है, पतंगे लगाई गई हैं, मेहंदी का अरेंजमेंट है जो पूरा साज श्रृंगार का है। रेवाड़ी के सभी डॉक्टर्स इसमें इनवाइटेड हैं, सारे पॉलिटिशियंस जो केवल लेडीज़ हैं उनको इनवाइट किया गया है, और हमारे सारे मैनेजमेंट के सदस्य जो केवल महिलाएं हैं उनको बुलाया गया है। हम आपको लगातार दिखाएंगे पूरे प्रोग्राम की तस्वीर। चेयरपर्सन पूनम यादव जी हमारे साथ हैं। मैम क्या कहेंगे जिस तरीके से तीज महोत्सव जो मनाया जा रहा है GLH पब्लिक स्कूल में, क्या कहेंगे महिलाओं का पर्व, आपको लगता है एक अच्छा इवेंट है इस बार जो ये आयोजित किया गया? हाँ जी, सबसे पहले तो सभी को तीज महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो ये GLH स्कूल ने प्रिंसिपल मैडम को और टीचर्स और पूरे स्टाफ और मैनेजमेंट को मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा महिलाओं का जो तीज का ये प्रोग्राम रखा है, ये काबिले तारीफ है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और साथ में जो महिलाओं का ये जो तीज है, कि जो त्यौहार आते हैं साल में, जो इसकी शुरुआत होती है, ये स्थान है, और जैसे महिलाओं के इस त्यौहार को और भी स्पेशल बनाने के लिए जो आज प्रिंसिपल मैडम ने ये जो प्रोग्राम्स रखा है पूरे स्टाफ और मैनेजमेंट ने, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस प्रोग्राम को स्पेशल करने के लिए। तो देखिए धन्यवाद कर रही है क्योंकि चेयरपर्सन को बुलाया गया, जाहिर है महिला है और महिलाओं के लिए सजने संवरने का मौका होता है एक त्यौहार, चाहे तीज हो, त्यौहार हो, करवा चौथ हो, दीपावली हो, तमाम त्यौहार पर महिलाएं सजती है, और महिलाओं के बिना कोई भी यानी कि समारोह किए आपको बताएं कि रौनक नहीं है। अगर महिलाएं नहीं सज गई सवरेंगी तो किसी भी कार्यक्रम में चार चांद नहीं लग सकते, और ये महिलाओं की बदौलत है आज ये महिलाओं का यहाँ आयोजन किया गया है। पार्षद हमारे साथ है अलग अलग। मैम क्या कहेंगे आज आप आए हैं? यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा, स्पेशल इनविटेशन। आपको उम्मीद थी रेवाड़ी में भी ऐसे ऐसे आयोजन किए जा सकते हैं स्पेशली तौर पे? हाँ, पहले जैन पब्लिक स्कूल में एक बार हमको ऐसे इनवाइट किया था, वहाँ भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। तो देखिए GLH परिवार ने जो शुरुआत की है पब्लिक स्कूल ने, और देखिए प्रियंका जी हमारे साथ है, और भी यहाँ पे पार्षद हैं, सुचित्रा चांदना जी है, ये महिलाएं हैं और इन महिलाओं को यहाँ इन्वाइट किया गया, तमाम महिलाएं यहाँ आई है, बकायदा खाने पीने का प्रोग्राम यहाँ पर किया गया, तरह तरह के यहाँ इवेंट यहाँ पर किए गए। प्रियंका जी क्या कहेंगे आज जो ये आयोजन यहाँ पे हुआ है GLH में? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ GLH मैनेजमेंट का, जिन्होंने रेवाड़ी में इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया,
और जैसा कि हमारे कहीं ना कहीं एक तरफ मैं मानती हूँ कि हमारे जो तीज त्योहारों की रौनक थी वो बहुत फीकी पड़ी हुई थी, तो ऐसे आयोजन हमारे तीज त्योहारों को में वापस उसी उत्साह और उसी जोश के साथ मनाने का संदेश देते हैं जिनकी शुरुआत इस GLH स्कूल ने की। तो मैं धन्यवाद करती हूँ मैम का कि इस तरह के आयोजन अगर होते रहेंगे तो हमारे जो तीज त्योहार हैं जिनके उत्साह हम देख रहे हैं कि लगातार कम हो रहे हैं वो उसी उत्साह और उसी जोश के साथ वापस मनाए जाए वापस आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल ने कहीं ना कहीं 2 साल में जिस तरीके से घरों में महिलाओं को कैद कर दिया था और तीज से पर उठने स्टार्ट हो जाते हैं। एक के बाद एक अब यहाँ आयोजन आएंगे, सिंधारा आएगी, तीज आएगी, रक्षाबंधन आएगी, तमाम दीपावली आएगी, दशहरा आएगा, तो तमाम चीजों का आयोजन होगा। सुचित्रा चांदना जी भी हमारे साथ हैं, मैम क्या कहेंगे आज जो ये आयोजन यहाँ पर हुआ है? सबसे पहले तो GLH मैनेजमेंट का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और सबसे मिलने का मौका मिला। आप नाचे नहीं नाचे ये बताइए, बहुत अच्छा डांस किया हमने, डांस किया देखना, आपने डांस किया नहीं किया मैम? नहीं किया, क्योंकि यहाँ तो मंच सज रहा है काफी। कोई बात नहीं, मंच सजा हुआ है। मैं यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले तो अपने GLH परिवार का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि कोविड के बाद मैं पहली बार इस तरीके का प्रोग्राम हुआ है महिलाओं की नाचने कूदने का। जैसा कि सावन का महीना एक मस्ती का महीना होता है और वो मस्ती मैंने यहाँ पर GLH प्रांगण में आकर देखी, तो उसके लिए GLH परिवार का, GLH के मैनेजमेंट का, समस्त स्टाफ का मैं इनका दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। तो तमाम महिलाएं धन्यवाद कर रही है, आप भी पार्षद हैं, आज जो आयोजन हुआ है कुछ कहेंगे, संदेश देंगे महिलाओं के लिए? GLH पब्लिक स्कूल का मैं सिर्फ धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पे बुलाया और हमारा मान सम्मान किया। तो मान सम्मान किया है और हम आपको तमाम झलकियां भी दिखा रहे हैं कि जो जो यहाँ आयोजन हुआ है, किस तरीके से यहाँ नाच गाना हुआ। कैमरा पर्सन से कहेंगे ये पंडाल दिखाई देंगे, यहाँ पर खाने पीने का चल रहा है, DJ यहाँ पर लग रहा है, तमाम यहाँ पर आयोजन किए गए हैं, आपको विस्तार से तमाम चीज दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इतना ही, कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR News रेवाड़ी।